और उनकी बहनों, मतलब कि भाइयों से पूछा कहीं भाइयों की बहनों को बुरा ना लग जाए। लड़के कह रहे होंगे हमारे तो पीछे पड़ गए चलाओ, यस तुम जिनके पीछे हम तुम्हारे पीछे। मास्टर यस, मैं भी बचपन से मास्टर। सर ये क्या रिकॉर्डेड है? हाँ बेटा रिकॉर्डेड है। देखो रिकॉर्डेड में भी मैं आपका, रिकॉर्डेड में भी मैं आपका कमेंट पढ़ पा रहा हूं। सोचो लाइव होता, अगर ये लाइव होता तो मैं आपके घर पे आके जिस बेड पे आप बैठे हुए हो ऐसे लेट के ऐसे वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करता, है ना? दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़। यस अरे रे 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 रे, मैं नजर उतारना ही भूल गया, नजर उतारना ही भूल गया। एक जाना कह रहा है इसका आंसर आएगा 5NA, फिर 9NA, फिर 10NA। बेटा रैंक वन लाना है, उससे ऊपर नहीं जाना है, उसे ऊपर चले जाएंगे तो डिसक्वालीफाई हो जाता है एग्जाम, ठीक है? सिर्फ रैंक वन तक, रैंक वन तक, ठीक है, उससे ऊपर नहीं। ऑल इंडिया रैंक वन, सिर्फ तैयारी रैंक वन तक, उससे ऊपर नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है इसका यूनिट क्या होगा? एक नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। आप जूता पहनते हैं 7 नंबर का, आपके पापा पहनते हैं 9 नंबर का, हाँ वही जूता, यह जिसके निशान भी कभी कभी आप पे छपे होते हैं, तो जूते का नंबर होता है, जो वो भी नंबर होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। पापा की परी ने डाउट पूछा है मोलर मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, इसके लिए आपको 5 से 6 क्लास पीछे जाना चाहिए। सर 6 क्लास पीछे कैसे, अभी तो 5वीं क्लास है। बेटा जैसे आपका नाम पापा की परी है वैसा ही आंसर है बेटा, ठीक है। मोलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए होता है। मल्टीप्लाई नहीं हुआ जबकि इसको ग्राम में लिया हुआ है, पता ही नहीं क्वेश्चन ही क्या है। आई मीन मुझे समझ ही नहीं आया कि क्वेश्चन ही क्या है, कंफ्यूज हो रहे हैं। आज रिवाइज करवाया, रिविजन को दोबारा देख लीजिए, नहीं तो पुरानी क्लास दोबारा देख लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जानवी जी बाय लागू बेटा, वैसे मैं बच्चों के नाम लेता नहीं हूँ, आप थोड़ा स्पेशल हो बेटा, हमें आशीर्वाद देना। मैं बता देता हूँ मैंने नाम क्यों लिया, पहली बात तो सारी क्लास ने आंसर सही दिया है, मैं बता देता हूँ नाम क्यों लिया मैंने, ठीक है, और मैं पाँव क्यों छूना चाहता हूँ उनके। कभी कभी आप पढ़ाते पढ़ाते सरप्राइज हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें, ये शायद उन्हीं मोमेंट्स में से एक था। उन्होंने बोला कि NA से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया आपने, और मैं सारी शक्ति वक्ति मेरी सारी ऐसे होता है ना, जैसे आप धूप में बाहर निकलते हैं आपकी बॉडी का सारा जो एनर्जी होती है वो खींच लेते हैं, तो आप भी भैया बेटा टैलेंटेड, टैलेंट है तुम में, ये तो मानना पड़ेगा।